गुड इवनिंग हम इकोनॉमी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है इकोनॉमी सब्जेक्ट में इकोनॉमी से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे सी आर आर क्या है रेपो रेट क्या है डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है जब इसकी स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं इकोनॉमी जब हम इकोनॉमी के कोर प्रिंसिपल को इंडियन मार्केट के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इसे कहते हैं इंडियन इकोनॉमी जैसे आर सेंट्रल एजेंसी है आर इंडियन मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी या मनी सप्लाई क्या है तो आर इन इंस्ट्रूमेंट का सी का आर आर का यूज करके इंडियन मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है तो ये जब हम इकोनॉमी प्रिंसिपल को इंडियन मार्केट में अप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा इंडियन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है माइक्रो मतलब स्मॉलर एस्पेक्ट जब इकोनॉमी प्रिंसिपल को इंडिविजुअल लेवल या किसी फर्म के लेवल पर देखते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमी है जैसे इन्फोसिस एक फर्म है इस इंफोसिस का पर ईयर क्या टर्न है पर ईयर इसकी क्या सप्लाई है एक इंडिविजुअल लेवल पर क्या इनकम है क्या एक्सपेंडिचर है जब इसकी स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी मीन्स जब इकोनॉमी के प्रिंसिपल को हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे जैसे इंडिया के पूरे मार्केट के अंदर पर ईयर एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है पर ईयर डिमांड सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है पर ईयर सेविंग रेट क्या है तो ये स्टडी कहलाएगी मेक्रो इकोनॉमी एसेट्स क्या चीज है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इकोनॉमी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इकोनॉमी प्रोसेस को अप्लाई करने पर यदि वेल्थ और इनकम जनरेट हो तो वो चीज़ एसेट्स होती है जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास में एक हाउस है अगर वो व्यक्ति हाउस को रेंट पर देता है तो उसको पर मंथ रेंट एज इनकम मिलता है तो वो हाउस उस इंडिविजुअल के लिए एक एसेट्स की तरह काम करेगा गवर्नमेंट के पास में फर्म्स है यदि गवर्नमेंट इनका डिसइनवेस्टमेंट करती है तो डिस इन्वेस्टमेंट के बाद में गवर्नमेंट को वेल्थ जनरेट होती है तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया एसेट्स एसेट्स और लाइबिलिटी ये रिलेटिव टर्म है एक इंडिविजुअल ए है यदि इंडिविजुअल ए बैंक के अंदर हंड्रेड रुपी डिपॉजिट करता है तो इंडिविजुअल ए के लिए हंड्रेड रुपये एसेट्स की तरह काम करेंगे और बैंक के लिए ये हंड्रेड रुपी लाइबिलिटी के लिए काम करेंगे क्यों बैंक को इंडिविजुअल ए को इंटरेस्ट के साथ में ये हंड्रेड रुपी रिटर्न करने होंगे तो बैंक के लिए लाइबिलिटी होगा और ए के लिए एसेट्स की तरह काम करेगा बैंक जो डिपॉजिट है उसको यूज आगे लोन देने में कर सकती है यदि बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को लोन देती है तो बैंक के लिए दिया गया लोन एसेट्स होगा और दूसरे व्यक्ति के लिए दिया गया लोन लाइबिलिटी होगा यदि बैंक डिपॉजिट को इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्वेस्टमेंट करने पर बैंक को पर मंथ या पर ईयर प्रॉफिट पर डिविडेंड मिलता है तो बैंक के लिए डिपॉजिट क्या हो जाएगा एसेट्स की तरह काम करेगा डेट क्या होता है लाइबिलिटी किसी भी टर्म में हो सकती है यदि लाइबिलिटी को केवल मोनिट्री टर्म में देखें अगर केवल मोनिट्री टर्म में लाइबिलिटी को देखा जाए तो इसे डेट कहते हैं अब कॉन्सेप्ट आता है स्टोक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल क्या होता है यदि मेजरमेंट यदि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट एक पॉइंट और टाइम पर किया जा सके तो वो कहलाता है स्टॉक वेरिएबल जैसे आर भारत में एक सेंट्रल एजेंसी है आर भारत के मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की क्वांटिटी कितनी है उसको किसी भी टाइम पर मेजरमेंट कर सकती है तो आर के द्वारा मनी सप्लाई का मेजरमेंट किसी भी टाइम पर किया जा सकता है तो ये मार्केट मनी सप्लाई क्या हो जाएगा स्टॉक वेरिएबल ईयर जो बोरो वो गवर्नमेंट के लिए फिज डिफिसिट होता है अब फ्लो वेरिएबल क्या होता है स्टॉक वेरिएबल क्या होता है कि किसी भी टाइम पर मेजरमेंट किया जा सकता है फ्लो वेरिएबल को मेजर किया जाता है एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे फिजिकल डिफिसिट तो गवर्नमेंट ने पर ईयर कितना उधार लिया है पब्लिक डेप्ट होता है कि ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम में गवर्नमेंट के ऊपर कितना बर्डन है बोरोइंग का उसे कहते हैं पब्लिक डेप्ट फिर लेवरेज क्या होता है जैसे कोई इंडिविजुअल है अगर इंडिविजुअल को लगता है कि यदि वो हंड्रेड रुपीज़ बोरो करता है और हंड्रेड रुपी बोरो करने के बाद में अगर वो इनकम को अगर फर्म को रन करता है और वन वन जीरो टोटल टर्न ओवर करता है तो उसे दस रुपये प्रॉफिट हो जाएगा तो अगर कोई इंडिविजुअल बोरो करता है और उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि बोरो करने के बाद में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा तो इसी के आधार पर वो क्या करता है इंडिविजुअल बोरो करता है तो इसे कहते हैं लीवरेज फिर कहते तो हैं लिवरेज को क्या करते हैं रेशियो में मेजर करते हैं तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा कि लीवरेज का रेशियो क्या है डेप्ट और इक्विटी क्या है लीवरेज का रेशियो कि कोई भी फर्म है वो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए मनी चाहिए तो फर्म स्टार्ट करने के लिए जो प्रमोटर होता है उसके पास में कुछ ना कुछ मनी होती है उसे कहते हैं प्रमोटर कैपिटल फिर होता है कुछ बचा हुआ पैसा प्रमोटर या तो मार्केट से बोरो करता है या जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उससे बोरो करता है तो उसे कहते हैं डेट अगर इंडिविजुअल ने फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से जैसे बैंक से कोई भी को या मोटगेज को रखकर पैसा उधार लिया तो वो क्या होगा डेट यदि इंडिविजुअल मार्केट में मार्केट में पब्लिक से पैसा उधार लेता है तो गवर्नमेंट जारी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जिस अगर शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करते हैं तो उसे कहते हैं टी बिल यदि कोई प्राइवेट फर्म अगर कोई सिक्योरिटी जारी करती है तो उसे कहते हैं डिबेंचर तो मार्केट में बॉन्ड जारी करके मार्केट में पब्लिक से पैसा उठाया जाता है ये बोंड होता क्या है कि बोंड पर क्या होता है एक निश्चित समय के पश्चात एक इंटरेस्ट पे किया जाता है जैसे किसी फर्म ने सौ रुपये का कोई डिबेंचर जारी किया तो फर्म एक टाइम पीरियड के बाद में इंटरेस्ट के साथ में एक सौ बीस रुपये एक सौ तीस रुपये कुछ भी होल्डर को पे करेगी तो इस तरह से क्या करता है कोई भी फर्म मार्केट से पैसा उधार ले सकता है तीसरा तरीका क्या है कि वो अपने शेयर्स जारी करता है शेयर जारी करता है तो यदि फर्म प्रॉफिट में जाती है तो शेयर्स धारक को फर्म आगे क्या करती है डिविडेंड पे करती है तो इस तरह से दे सकते हैं कि कोई भी फर्म यदि रन करती है तो वो कैपिटल को किस तरह से अरेंज करती है खुद का प्रमोटर का कैपिटल या मार्केट से लिया गया उधार या शेयर बाज़ार में जारी किए गए शेयर अब डेट और इक्विटी में अंतर क्या है यदि फर्म मार्केट में बॉन्ड जारी करके या डिबेंचर जारी करके पैसा उधार लेते हैं तो डेट होता है यदि शेयर मार्केट में शेयर जारी करके पैसा इकट्ठा किया जाता है तो वो इक्विटी होता है तो जब भी हम बॉन्ड जारी करते हैं तो हमारे ओनरशिप का कभी भी डायल्यूशन नहीं होता ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि बॉन्ड जारी करने पर फर्म चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो उसे निश्चित समय के पश्चात एक इंटरेस्ट पे करना ही होता है इक्विटी में क्या होता है जैसे मान लो किसी कंपनी ने शेयर जारी किए तो कंपनी अपना ओनरशिप का डाइल्यूशन करती है क्योंकि शेयर धारक कंपनी के अंदर एक ओनर होता है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखोगे तो कंपनी तभी डिविडेंड पे करेगी जब कंपनी प्रॉफिट में हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा डेट भी कंपनी के कंपनी के लिए नुकसानदायक है क्योंकि ज़्यादा डेट लोगे तो उसे क्या होगा इंटरेस्ट का बर्डन क्रिएट होगा इंटरेस्ट का बर्डन मीन्स कि एक निश्चित टाइम के बाद में जो भी बॉन्ड का होल्डर है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इक्विटी के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा कि इक्विटी के अंदर ओनरशिप का डाइल्यूशन हो जाता है तो कंपनी के लिए बेस्ट ये रहता है कि डेट और इक्विटी का रेशियो टू रेशियो वन रे, तो ये है लेवरेज रेशियो फिर होता है डेट और डेट बर्डन बर्डन क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए डेट लेना ये उधार लेना ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है लेकिन एक निश्चित समय के बाद में दिया जाने वाला इंटरेस्ट जिसे डेट बर्डन कहते हैं वो कंपनी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है तो एन के सिंह कमेटी ने क्या कहा कि भारत के लिए डेट और जी का जो रेशियो है वो ऑप्टीमो होना चाहिए सिक्सटी परसेंट इसमें सेंट्र का डेट और जी का रेशियो होना चाहिए फोर्टी परसेंट और स्टेट का होना चाहिए बीस परसेंट अब डेट बर्डन क्या है अगर डेट और डेट बर्डन में देखें तो डेट बर्डन होगा स्टॉक वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल हमने देखा था कि एक टाइम पीरियड पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हर मंथ जो हम पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का उसका हर मंथ कैलकुलेशन होता है तो ये डेट बर्डन क्या है स्टॉक वेरिएबल जबकि टोटल जो पब्लिक डेट है या कोई भी डेट है उसका एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेशन होता है तो वो हो जाएगा फ्लो वेरिएबल कैपिटल क्या है कि कैपिटल जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल से क्या होता है इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कैपिटल के कई प्रकार हो सकते हैं इसमें सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल जो भी चीज हाउस है या फर्म है तो ये क्या करती है कंपनी के लिए फिक्स कैपिटल की तरह काम करती है स्किल कैपिटल क्या है कि कोई भी कंपनी में वर्कर काम करते हैं या कंपनी के अंदर कोई फिक्स कैपिटल है तो कंपनी एक टाइम पीरियड के बाद में अपने वर्कर का स्किल इंप्रूव करती है तो उसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट करती है वो हो गया स्किल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल क्या है वर्कर की हेल्थ या इंडियन सिटीजन की एजुकेशन तो इन पर जो खर्च किया जाता है वो क्या हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल सोशल कैपिटल क्या है कि मान लो फिक्स कैपिटल भी ठीक है स्किल कैपिटल भी ठीक है ह्यूमन कैपिटल भी ठीक है यदि सोशल फेब्रिकेशन सही नहीं है सोसाइटी के अंदर हारमोनी सही नहीं है तो जो भी वॉयलेंस होगा उससे क्या होगा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो सोशल हारमोनी बनी रहे तो उसके लिए क्या कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्ट होगी चाहे आरक्षण के रूप में इन्वेस्ट हो तो इसे क्या कहते हैं सोशल कैपिटल अब क्या है जैसे आर क्या होती है आर से पैसा उधार लेते हैं बैंक और बैंक पैसा उधार देते हैं आगे इंडिविजुअल को तो आर से बैंक कोई ना कोई रेट पर पैसा उधार लेते हैं मान लो रेपो रेट पर लिया बैंक आगे इंडिविजुअल को पैसा लैंड करते हैं यदि हम आर जो बैंक को पैसा देता है उसके रेट को बढ़ा दें उसके रेट को बढ़ाने पर क्या होगा कि बैंक जो पैसा उधार ले रही है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बैंक अगर आगे इंडिविजुअल को पैसा देगी उसकी रेट बढ़ा देगी तो उसकी रेट बढ़ाने से क्या होगा कि बोरोइंग कम हो जाएगी और इसका उल्टा हुआ यदि बैंक अगर सेंट्रल एजेंसी बैंकों को कम रेट पर पैसा देती है तो बैंक की आगे इंडिविजुअल से कम रेट लेंगे तो बोरोइंग क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाती है तो होता क्या है कि बैंक को बैंक को आर से पैसा लेने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट पड़ता है और बैंक इंडिविजुअल को किसी ना किसी रेट पर पैसा देता है तो जो बोरो करने की कॉस्ट है और जो लैंड करने की कॉस्ट है इनका बीच का डिफरेंस है उसको कहते हैं स्प्रेड यदि आर बी चाहती है कि इंटरेस्ट रेट तो कम हो जाए मतलब बैंक को जो कॉस्ट पड़ी खरीदने में पैसा लेने में जो कॉस्ट पड़ी वो हो जाए कम लेकिन यदि बैंक आगे अपनी लैंडिंग रेट को कम ना करें तो क्या होता है स्प्रेड बढ़ जाता है क्योंकि बैंक को पैसा तो कम लगा लेकिन आगे बैंक जो इंडिविजुअल को पैसा दे रही है वो सेम रेट पर दे रही है तो स्प्रेड बढ़ स्प्रेड इंक्रीज हो गया इसका मतलब आर तो रेट को कम करना चाहती है लेकिन बैंक बोरवर को कम रेट पर पैसा देना चाहते नहीं है तो ये होता है मोनिट्री ट्रांसमिशन मोनिट्री ट्रांसमिशन क्या है कि सेंट्रल एजेंसी आर बी कोई ना कोई मोनिट्री पॉलिसी बनाती है अगर ये मोनिट्री पॉलिसी स्मूथली इंडियन इकोनॉमी के अंदर रन कर जाए जैसे अगर आर बी आई चाहती है कि सी आर आर या एस एल आर ये कम हो ये कम होने से बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहे और बैंक कम ब्याज दर पर इंडिविजुअल को पैसा दे सके यदि ये आर बी आई की जो सोच है ये मार्केट के अंदर फ्लो हो गई तो तो मोनिट्री ट्रांसमिशन है यदि आर बी आई की सोच मार्केट के अंदर फ्लो नहीं हुई तो मोनिट्री ट्रांसमिशन नहीं है यदि आर ने तो रेट कम कर दी और बैंक आगे इंडिविजुअल को पैसा उधार देने में रेट कम नहीं करते हैं तो इसका मतलब मोनिट्री ट्रांसमिशन नहीं हुआ यदि स्प्रेड इंक्रीज करती है स्प्रेड का इंक्रीज करने का मतलब है बैंक को कम ब्याज दर पर पैसा मिल गया लेकिन बैंक ने आगे कम ब्याज दर पर पैसा दिया नहीं तो स्प्रेड का बढ़ना मतलब बताता है मोनिट्री ट्रांसमिशन सही नहीं है क्रेडिट वर्दिनेस क्या होती है जैसे कोई इंडिविजुअल है कोई भी इंडिविजुअल बैंक से पैसा लेने गया तो या तो इसके पास में एसेट्स हो जैसे अंबानी अगर इसके पास एसेट ज़्यादा होगी तो बैंक इसको लोन दे देगा तो या इसके पास में क्या कोलेटरल हो अगर ये कोलेटरल डिपॉजिट कर देगा तो भी बैंक इसको पैसा दे, दे देगा एसेट्स और कोलेटरल में डिफरेंस नहीं होता जो भी एसेट्स हम गिरवी रखते हैं एसेट्स कोई भी यदि हम गिरवी रखते हैं पैसा उधार लेने के लिए वही हो जाएगा को पर फार्मर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनके पास में क्या होता है ना तो एसेट्स होते हैं ना को होता है तो इनको क्या मजबूरी के रूप में इन फॉर्मल सेक्टर से पैसा लेना पड़ता है अब अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या है जैसे इंडिविजुअल है ये एक इंडिविजुअल है ऐसे मार्केट में खूब सारे इंडिविजुअल है वो जो सेविंग करते हैं उनका एक अंश क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में जाता है और इकोनॉमी का पहिया चलता है यदि गवर्नमेंट फोकस करेगी सेविंग रेट खूब हो अगर सेविंग रेट ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा इकोनॉमी तेज चलेगी इकोनॉमी यदि तेज चलेगी जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रेट कम होगी तो ये प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ईजी हो जाएगा पर यदि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर फोकस ना करे गवर्नमेंट केवल सेविंग की रेट पर फोकस करे यदि सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट सस्ता बनेगा लेकिन सेविंग ज़्यादा होगी तो कंजप्शन भी कम हो जाएगा तो सारा पैसा तो सेविंग में लग गया तो कंजप्शन कम करेगा कंजप्शन कम करेगा तो मार्केट के अंदर रिसेशन आ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करती है जब भी सेविंग रेट बढ़ाने का प्रयास करती है तो अल्टरनेट के रूप में एक्सपोर्ट पर फोकस करती है ताकि अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो तो एक अल्टरनेट मार्केट मिल जाए प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये होती है पैराडॉक्स ऑफ सेविंग क्या होती है यदि गवर्नमेंट केवल सेविंग 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 पर फोकस करे तो उससे क्या होगा कि कंजप्शन कम होने से मार्केट में रिसेशन आ जाएगा इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ सेविंग यदि गवर्नमेंट को पैराडॉक्स ऑफ सेविंग से बचना है तो गवर्नमेंट का फोकस किस पर होना चाहिए एक्सपोर्ट पर जैसे चाइना चाइना की सेविंग रेट इंडिया से ज़्यादा है इंडिया की ट्वेंटी सेवन परसेंट ही है और चाइना की फिफ्टी परसेंट सेविंग रेट है जीडीपी के रूप में कि सेविंग ऑफ जी डी फिफ्टी परसेंट है लेकिन फिर भी चाइना की इकोनॉमी फास्ट रन करती है चाइना एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करता है डेफिसिट फाइनेंस से क्या होता है डेफिसिट क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस यदि गवर्नमेंट ने बोरो किए ज़्यादा और गवर्नमेंट ने जो अन किए वो है कम तो गवर्नमेंट को क्या हो गया डेफिसिट हो गया उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से फ़ंड की व्यवस्था करेगी वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग इसका एक तरीका क्या गवर्नमेंट उधार लेती है उधार लेती है उसको बोलते हैं फिस्का डेफिसिट तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक तरीका है फिस्का डेफिसिट दूसरा तरीका है गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर दें पर ये 1997 से पहले गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती थी अब नहीं करती क्योंकि मनी केवल मनी प्रिंट करे और प्रोडक्शन ना हो कि गवर्नमेंट केवल मनी प्रिंट करने पर फोकस करे अगर प्रोडक्शन ना हो तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला है बॉन्ड कि गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके मार्केट से पैसा उठा सकती है तो बॉन्ड जारी करती है तो बॉन्ड के ऊपर क्या होता है बॉन्ड धारक को इंटरेस्ट देना पड़ता है तो गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए जो बॉन्ड जारी करती है उसे कहते हैं टी बिल यदि कोई प्राइवेट फर्म बॉन्ड जारी करती है उसे कहते हैं डिबेंचर इक्विटी क्या होती है शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा इकट्ठा करना तो दूसरे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है केस है चेक है डी, -डी है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी क्या है मार्केट में जो टोटल इन मनी है उसे कहते हैं लिक्विडिटी इसे कहते हैं मनी ट्री सप्लाई जो मनी सप्लाई है इसे आर किसी भी समय मेजरमेंट कर सकती है इसलिए कहते हैं स्टॉक वेरिएबल अब मनी क्या चीज़ है मनी हमारे क्या आता है परचेसिंग पावर क्रिएट करती है मनी पेमेंट करने में काम आती है तो मनी की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए मनी एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि हर जगह उसको एक्सेप्ट किया जा सके मनी की दूसरी प्रॉपर्टी मनी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसका वीयर टीयर फास्ट हो तो ये सोयल रेट क्या है कि आर क्या करती है कि जो मार्केट के अंदर मनी जो मार्केट के अंदर मनी खराब होती है तो उसी खराब मनी के बराबर आर मनी प्रिंट कर देती है उसे कहते हैं सोयल रेट मतलब जो मनी है उसकी सोयल बन गई तो उसके बदले में नए जो आर प्रिंट करती है करेंसी उसे कहते हैं सोयल रेट तो आर ने जब डीमोनेटाइजेशन किया था उसका एक आधार ये रखा था कि पाँच सौ की सोइल रेट कम है मतलब पाँच के नोट ये रिपीट कम होते हैं वीर टीयर कम होते हैं इसका मतलब क्या है लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल काला बाजारी या मनी को इकट्ठा करने में करते हैं तो क्यों ना पाँच सौ हजार के नोटों को चेंज किया जाए तो यह सोई रेट का कंसेप्ट दिया था फिर पोर्टेबिलिटी मतलब आसानी से ले जाया जा सके डिविजिबिलिटी मतलब पाँच का नोट भी आता है सौ का भी आता है पचास का भी है दस का भी है यूनिफॉर्मिटी मतलब जो सौ का नोट यहाँ काम करे वही सौ का नोट के दूसरी जगह पर काम करे इंडिया में फिर लिमिटेड सप्लाई मनी हमेशा लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए अगर मनी ज़्यादा सप्लाई होगी तो क्या होगा मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन हो जाए क्योंकि गुड्स तो है कम और मनी है ज़्यादा तो ऐसा जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या हुआ कि जब इन्फ्लेशन हुआ तो वहाँ क्या हुआ कि सर्दी में सर्दी के अंदर आग सेकने के लिए वो कोयले की जगह कोयले की जगह क्या काम करने लगे मनी को काम करने लगे